नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले की। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक। जयदीप जी, इस मामले में एक के बाद एक मौत हो रही है और सरकार जो है सीबीआई जांच से भाग रही है, ऐसा क्यों? ये बहुत दुखद है और बहुत आश्चर्य का भी विषय है कि इतना बड़ा घोटाला जिसमें 2000 से ज्यादा गलत भर्तियां होने की बात सामने आई है, ऐसा घोटाला जिसमें 1700 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 500 लोग फरार हैं, एक ऐसा घोटाला जिसमें इन आंकड़ों से बढ़कर महत्व इस बात का है कि समाज में डॉक्टर जैसे लोग गलत तरीके से, जिनको प्रवेश मिला है, जो काबिल नहीं थे डॉक्टर बनने के, वो समाज में पहुंच गए हैं, एक ऐसा घोटाला जो हजारों प्रतिभाओं की असमय हत्या के लिए जिम्मेदार है। देखिए, प्रतिभा की हत्या का आपके पास क्या पैमाना है? हत्या और बाकी आंकड़े तो आप गिन पा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिभाएं जो कुंठित हुई हैं, जिनको मेडिकल में या आरक्षक के रूप में या नापतोल में या इंजीनियरिंग में, फूड विभाग में, एग्रीकल्चर में भर्ती मिलनी चाहिए थी व्यापम के जरिए, जिनकी पढ़ाई के दम पर, जिनकी क्षमता के दम पर उनको प्रवेश मिलना चाहिए था, उनको प्रवेश नहीं मिल पाया। तो इतने बड़े महाघोटाले को लेकर 2006 से अभी तक जो सुस्त चाल रही है सरकार की, जिस सरकार की नाक के नीचे घोटाला हुआ, सबसे पहले तो कैसे वो साफ और ईमानदार तरीके से उस घोटाले की जांच करेगी, ये सोचा जाना चाहिए गंभीरता से। दूसरा, हम देखते हैं कि कोई छोटा मोटा हत्याकांड होता है उसको लेकर भी सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है। अब इतना बड़ा घोटाला जिसमें इतनी सारी प्रतिभाओं का भविष्य दांव पर लगा, इतनी सारी मौतें, मैं ये नहीं कहता कि कोई कह रहा है 25 मौत हुई, कोई कह रहा है 43 मौत हुई, और अभी कांग्रेस के जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं वो तो एक नया ही आंकड़ा 156 मौतों का लाए हैं। ये संभव हो सकता है कि कुछ स्वाभाविक मौत हुई हो, कोई हादसा हुआ हो, पर क्या कुछ मौतों के पीछे कोई षड्यंत्र है, ये जनता को आप आश्वस्त कैसे करेंगे? जो बाकी के विसल ब्लोअर्स हैं, जिन्होंने बीड़ा उठाया था इस घोटाले को समाज के सामने लाने का, उन पर आंच नहीं आएगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग ये कह रहे हैं, अभी गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी का भी बयान आया है कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है, हाईकोर्ट इसकी जांच कर रहा है, एसटीएफ इसकी निगोक कर रही है और एसआईटी बनी है निगरानी के लिए। आप मुझे ये बताइए कि इस घोटाले से जुड़े किसी भी व्यक्ति की भविष्य में किसी तरीके से जान को कोई खतरा नहीं है, क्या इसकी जिम्मेदारी राजनाथ सिंह जी या शिवराज सिंह जी ले रहे हैं? और अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो फिर वो सीबीआई को इसकी जांच देने से क्यों कतरा रहे हैं? इस घोटाले को हम परत दर परत अगर देखना चाहें झाला जी, तो सबसे बड़ी जो गड़बड़ी हुई है वो इसमें हुई है, जो लोग इस घोटाले से परिचित नहीं है वो ये समझ लें कि जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सरकार में विभिन्न तरह की भर्तियों के लिए, जो सबसे बड़ी परीक्षा आप जानते हैं जिसके अभी हाल ही में परिणाम भी आए हैं, वो यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की है, जिसके जरिए देश को आईएफएस और आईएएस और आईआरएस अधिकारी मिलते हैं। उसी का एक छोटा सेट भी होता है जिसमें छोटे स्तर के अधिकारी केंद्र में भर्ती किए जाते हैं। उसी तरह हर राज्य की भी अपनी एक सिविल सेवा की भी परीक्षा होती है, जैसे मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी होती है जिसमें एसडीएम और अन्य स्तर के अधिकारी भर्ती होते हैं। उसके अलावा जो भर्तियां राज्य स्तर पर होती हैं उसके लिए हर एक का अपना अपना एक तरीका होता है, पैटर्न होता है। उन भर्तियों को पहले सरकार द्वारा सीधे किया जाता था, उसके बाद इन भर्तियों का जिम्मा व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम, जो अभी आप नाम लगातार सुन रहे हैं, व्यापम को दिया गया। व्यापम के जरिए इन भर्तियों में, इन नियुक्तियों में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, ऐसी बात 2006 में सामने आई थी जब एक विधायक ने विधानसभा में मुद्दा उठाकर ये बात कही थी। उसके पहले छुटपुट कुछ परीक्षाओं में कुछ मुन्ना भाइयों को बिठाए जाने की बात होती रही है। देखिए, एक वाक्या मैं भी बताऊं कि जब नई दुनिया के संपादक बतौर काम कर रहा था, तब उस वक्त कुछ छात्र मिलने आए थे और उन्होंने कहा था कि हमें लगता है कि रोल नंबर किसी और का है और कोई और बैठकर परीक्षा दे रहा है। केवल इतना मुद्दा था, लेकिन उसका प्रमाण नहीं था। हमारा जो हायर एजुकेशन बीट देखने वाला रिपोर्टर था, इसके और तथ्य तलाशने की उसने कोशिश की, उसको कुछ जानकारियां मिली थी कुछ छात्रों से मिलकर, उसको पहले पेज की खबर बनाकर छापा था। लेकिन ये मामला इतना बड़ा होगा ये शायद उस वक्त किसी को भी ध्यान में नहीं था, लेकिन जैसे जैसे इस घोटाले की परतें खुलती गई तब लोगों को समझ में आया कि ये घोटाला कितना बड़ा है। तो दरअसल इसमें दो तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं। इसमें जो नापतोल निरीक्षक के या शिक्षक के या फूड कंट्रोलर या दूसरे पदों पर भर्तियां होनी थी, उसमें सबसे ज्यादा सबसे पहले तो चर्चा जो है वो डॉक्टर की इसलिए हुई है कि मध्य प्रदेश की जो पीएमटी परीक्षा है वो भी करवाने का जिम्मा व्यापम का था, वहां के परीक्षा नियंत्रक के जरिए ये परीक्षाएं होती थी। अब डॉक्टर किसी को भी ज्यादा डराने वाली चीज इसलिए होती है कि अगर कोई गलत तरीके से डॉक्टर बनकर समाज में चला गया है तो उससे आपका दिन रात का वास्ता होता है, आपकी सेहत और आपकी जान से सीधा सीधा सरोकार होता है। इसलिए क्यों नहीं डॉक्टरों से जुड़े हुए किसी भी घोटाले में पूरा समाज हिल जाए, हिलना ही चाहिए, स्वाभाविक है। अन्य पदों की भी जो नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं वो उतनी गंभीर हैं और आपराधिक हैं, लेकिन डॉक्टर चूंकि समाज का सीधा सामना पड़ता है इसलिए डॉक्टर को लेकर चर्चा ज्यादा हुई है। वह दरअसल ये है कि ये जो परीक्षा मंडल है
ये इस पूरे घोटाले की धुरी बना, धुरी इसलिए बना कि इसमें दो तरीके से घोटाले हुए हैं। एक तो ये हुआ है कि अगर आपको इच्छा है कि आपके पास आपके बेटे के में पढ़ने की क्षमता नहीं है पर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बन जाए या दूसरे पद पर भर्ती हो जाए, तो आपने पैसे दे दिए, आपके नाम से सारे फॉर्म भरे गए, लेकिन परीक्षा में आपकी जगह कोई और बैठा और ये पूरे सुनियोजित तरीके से होता था। उसका फोटो लग जाता था जो आदमी आके बैठने वाला है और वो व्यक्ति परीक्षा देकर चला जाता था। उसको पहले से सब तैयारी होती थी, वो पढ़ने वाला अच्छा विद्यार्थी था और वो पैसे के लालच में इस तरह का काम करता था। इसमें ये तथ्य इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह के कुछ लोग, इस तरह के कुछ स्कोरर दरअसल लापता हैं, जो 500 गिरफ्तारियां और होनी है उनमें, तो वो चूंकि पैसा लेकर किसी दूसरे के नाम से मुन्ना भाई बनकर जिनको कहा गया कि परीक्षा दे रहे हैं वो दरअसल लापता है और वो महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे मामले की। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपने पैसे दे दिए, आप जब परीक्षा देने गए तो आपने आंसर शीट जो है आपकी खाली छोड़ दी, उस पर गोले लगाने होते थे पेंसिल से, और वो जो है बाद में किसी तरीके से परीक्षा जाँच के लिए जब कॉपियां पहुंचती थी वहां गोले लग जाते थे और आपका चयन हो जाता था और आप डॉक्टर बन जाते थे। इन दोनों ही स्तरों पर हुई गड़बड़ियां आंख खोलने वाली हैं, गंभीर हैं, भयंकर हैं, और इतनी गंभीरता उसकी समझ में आने के बावजूद केवल हाईकोर्ट की जांच के भरोसे कैसे इस पूरे मामले को छोड़ा जा सकता है, खासतौर पर तब जब आप सब मिलकर अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाए जो इस दायरे से बाहर हैं। आप अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाए कि कुल मिलाकर कितने पदों पर गड़बड़ियां हुई हैं। आप अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि गड़बड़ी के जरिए जो लोग इन पदों पर पहुंच चुके हैं वो कौन लोग हैं और वो क्या सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जब इतनी स्पष्टता नहीं आ पाई है तो निश्चित तौर पर इस जांच के दायरे को बढ़ाना और किसी अन्य एजेंसी को सौंपा जाना जरूरी है। यदि जी ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में मीडिया और अच्छी भूमिका निभा सकता था? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। मुझे ये लगता है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि इस पूरे के पूरे मामले को, हालांकि इसको राजनीतिक प्रकरण बनाकर विधानसभा चुनावों के दौरान जो अभी 1.5 साल पहले ही हुए हैं, लोकसभा चुनावों के आसपास हमारे यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें शिवराज सिंह जी ने लगातार तीसरी बार जीत कर हैट्रिक बनाकर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी, उन चुनावों के दौरान विपक्ष ने, यानी कि कांग्रेस ने जो अभी विपक्ष में है, भरपूर कोशिश की थी कि इस मुद्दे को बुनाया जाए। आप देख लिए उस वक्त के टेलीविजन चैनलों की और अखबारों की कवरेज में इस मुद्दे को कहां स्थान मिला था? बहुत कम स्थान मिला था। ऐसा बड़ा मुद्दा जिसको लेकर कई सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं पूछे गए, ये समझ में नहीं आता। 2006 से अब तक का आप पूरा मीडिया का कवरेज उठाकर देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के अखबारों ने, भोपाल के अखबारों ने, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के अखबारों ने इस मुद्दे को लगातार काफी गंभीरता से और काफी बार छापा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि यह मुद्दा राष्ट्रीय मीडिया के लिए बड़ी खबर या बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। यह बहुत बड़े अफसोस की बात है। और उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि एक होनहार पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद राष्ट्रीय मीडिया अचानक जागता है और तमाम तरह के सवाल पूछने लगता है। ये दुखद है। ये ठीक बात है कि अक्षय की मौत के बाद उनको अपने करीबी के चले जाने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या इसके पहले जाकर वो इतना सारा कवरेज जो आज दे रहे हैं व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले को पहले नहीं दे सकते थे? ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय मीडिया में कवरेज नहीं आया, पर वही चलते फिरते वाला कवरेज आया। कोई मौत हुई, कोई घटना हुई, राज्यपाल के बेटे की मौत हुई, आपने कवरेज दिखाया, खत्म। उसका पीछा जिस तरीके से आप दिल्ली में पानी नहीं मिलने के मुद्दे का पीछा करते हैं, दिल्ली के एक बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में यौन उत्पीड़न के मामले का पीछा करते हैं, जेसिका लाल कांड का पीछा करते हैं, आरुषि हत्याकांड का पीछा करते हैं, उस तरीके से इस इतने बड़े मामले का पीछा देश के राष्ट्रीय स्तर के कहलाने वाले मीडिया ने क्यों नहीं किया, ये बड़ा सवाल है और मीडिया को खुद इसका, हम सबको मिलकर इसका जवाब तलाशना होगा। इस मामले में कांग्रेस भी बहुत देर से जागी है। देखिए, कांग्रेस ने तो केवल इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर छोड़ दिया है। दिग्विजय सिंह जी जो इतने सक्रिय हैं अभी इस मुद्दे को लेकर, वो पहले इतने सक्रिय क्यों नहीं हुए? 2006 से लगातार इस मुद्दे को अब तक इतनी बार उठाया क्यों नहीं गया अलग अलग मंचों से? अब अचानक जब आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपको राज्य और केंद्र में दोनों जगह घेरना है, आपकी जमीन आप खो चुके हैं, कांग्रेस लगभग हाशिए की पार्टी बन चुकी है, 44 सीटों वाली पार्टी है, अन्य राज्यों के चुनावों में भी उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है, तब आप ढूंढ ढूंढ कर जब मुद्दों को उठा रहे हैं तो वो मुद्दा केवल आपकी राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए है। सचमुच आपको क्या उन लोगों के प्रति दुख है? भोपाल की वो तेजस्वी तेजकर जो पढ़ने में होनहार थी पर उसका पीएमटी में चयन नहीं हुआ और इस दुख के कारण उसने जेल में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, क्या उसकी हत्या के लिए आप उन लोगों को जिम्मेदार जो है उनको वास्तव में सजा दिलाना चाहते हैं या केवल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन पाना चाहते हैं? तो कांग्रेस अगर इसको राजनीतिक स्तर पर भुना रही है तब ये जिम्मेदारी मीडिया की है कि वो अपनी एक निष्पक्ष भूमिका निभाते हुए कांग्रेस या अन्य किसी दल के या भारतीय जनता पार्टी की सफाई के भुलावे में आए बगैर ये जानने की कोशिश करे कि समाज में इस तरीके से गलत लोगों को भेजने के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या वो अब तक बचे हुए हैं, और अगर बचे हुए तो कैसे बचे हुए हैं, और कैसे उनको कटघरे में लाकर खड़ा किया जाए और सजा दिलवाई जाए। यदि सबसे अहम बात यह है कि लोगों का भरोसा टूटा है सरकार से, व्यवस्था से। इस
तरह के तमाम प्रकरणों में टूटा है। व्यवस्था पर तो लोगों का भरोसा इसलिए भी नहीं रहा कि उन्हें पता है कि यदि कोई रसूख वाला व्यक्ति है, सक्षम व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर वो बच जाएगा, और कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल की शिक्षों में भेज दिया जाएगा। आप बिजली का बिल मत भरिए, अगले दिन आपका बिजली का बिल काटने के लिए घर पर लोग आ जाएंगे। टेलीफोन का बिल मत भरिए, टेलीफोन का कनेक्शन काटने के लिए लोग आ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग हैं जिन पर लाखों करोड़ों बकाया है, लेकिन उनके यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ऐसे ही इस मामले में भी है। आप देखिए कि पूर्व में जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं वो गिरफ्तार होकर इस वक्त जेल में है। इससे परीक्षा नियंत्रक जो जुड़े हुए थे वो जेल में है। एक हार्ड डिस्क की बात हो रही है जो कि थी, जिसमें सारी जानकारी थी, वो हार्ड डिस्क कहीं गायब है, पता नहीं चल रहा है। एक पेन ड्राइव सामने आई थी, उसकी सच्चाई क्या है वो लोगों को नहीं पता। एक एक्सेल शीट की बात हो रही है जिसमें ये सब तरीके से दिया हुआ था कि किसकी रिकमेंडेशन है, कौन किसकी सिफारिश से भर्ती हो रहा है, उसका कोई पता नहीं है। अगर इतनी ज्यादा गंभीरता इस मामले की है तो मुझे लगता है कि अगर उसकी जांच ठीक से नहीं होगी तो जनता का भरोसा तो उठेगा ही। और अब आपको सीबीआई के जरिए दो तरह की जांच करनी होगी। एक तो घोटाले की अपने आप में जांच होगी कि घोटाला कैसे हुआ, किसने किया और उसको कैसे सजा मिले, और दूसरी जांच ये करनी होगी कि इससे जुड़े हुए लोगों की जो मौत हो रही है वो क्या सचमुच किसी षड्यंत्र के तहत हो रही है, उनकी हत्या की गई है या वो कि आत्महत्या से या किसी दूसरे अन्य स्वाभाविक कारण से वो मरे हैं। जब तक सीबीआई या कोई ऐसी अन्य निष्पक्ष एजेंसी इसकी जांच करके जनता को नहीं बताती, जनता को अब भरोसा होने वाला नहीं है कि व्यापम घोटाले को लेकर जो कुछ भी देश में चल रहा है वो ठीक है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।